गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज होने वाला है फैमिली व्लॉग, बिकॉज हम चारों जा रहे हैं। तो अभी हम पहुंच चुके हैं सहस्त्रधारा। तो इसकी हिस्ट्री में थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूँ। इसको सहस्त्रधारा इसलिए बोलते हैं क्योंकि काफ़ी टाइम पहले यहाँ से बहुत सारी धाराएं आती थी, मतलब बहुत सारा पानी आता था, बहुत सारी धाराएं आती थी, तो इसका नाम सहस्त्रधारा पड़ा है। और उसके लिए यहाँ पे गंदक का पानी निकलता था, सल्फर वाटर जिसे कहते हैं। तो उस वजह से यहाँ पे इसका नाम ये पड़ा है। और अभी तो गंदक का पानी बहुत कम हो गया है, पहले बहुत ज़्यादा आता था। तो ये देहरादून में एक टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट है, छोटा सा मार्केट भी है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे शिव मंदिर भी है, शिव जी का मंदिर है बहुत पुराना। तो यहाँ से सहस्त्रधारा शुरू रहता है, जो मैं अभी क्रॉस कर रहा हूँ यहाँ से एक टोल पड़ता है, बट अभी एक टोल की टाइमिंग हुई नहीं, ये 9 बजे के बाद से टोल लगता है। तो ऑलमोस्ट भाई मसूरी आप टच कर सकते हो, कहीं ऐसे मसूरी टच कर रहे हो, मसूरी रोड बस ये पैरल ही चलती है रास्ते रोड पर सहस्त्रधारा रोड। पानी बहुत बढ़िया आ रहा है भाई, बस बारिश तो हो जाए। अगर आप देहरादून आ रहे हैं तो यहाँ ज़रूर विजिट कीजिए। होटल्स भी बहुत सारे हैं यहाँ पे, होटल्स हैं और सभी होटल्स में सब में स्विमिंग पूल है, तो गर्मियों के लिए बेस्ट टाइम होता है यहाँ पे आने का। बहुत भीड़ होती है जनरली बस गर्मियों में। और ये जो रास्ता जा रहा है, ये हम निकल रहे हैं सहस्त्रधारा से थोड़ा सा ऊपर, जहाँ से गाँव शुरू हो जाते हैं और ज़्यादा लोग कम रहते हैं उधर। भाई जैसा थोड़ा सा ऑफ रोड रास्ता है इसके ऊपर, अगर आप कार लेके आ रहे हैं तो बहुत धीरे धीरे चलाइएगा, क्योंकि बरसात में टूट भी जाता है रास्ता। बहुत सारे रिजॉर्ट हैं यहाँ पर, जनरली दिल्ली गुड़गांव से लोग आते हैं बीच पे, यहीं पे रहते हैं। वाह वाह बेटा वाह लगता भाई को बड़ी तेज से लगी थी। भाई मैं जहाँ जा रहा हूँ उसका मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे एक लेफ्ट में आपको तक्षशिला मिलेगा, तक्षशिला नाम पे एक रिजॉर्ट है, बस उसके लेफ्ट में एक छोटी सी रोड नीचे जा रही है, ये हर किसी को मिलती नहीं है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, एक हिडन प्लेस है। क्योंकि यहाँ से अगर उस वाली रोड पे अगर आप जाएंगे तो आपको वहाँ पे थोड़ा हाइट मिलेगी, गांव मिलेगा और नदी का एक्सेस कम मिलेगा। अगर आप यहाँ से नीचे आएंगे तो एकदम आप नदी पे, नदी के किनारे किनारे चल सकते हैं। तो ऐसा रास्ता है, इस जो मैंने कट लिया उसको याद रखिएगा। तो भाई हीरो बनने चला था मैं और गीली मिट्टी पे बाइक फिसल गई, गिर गया मैं, तो मैंने बाइक वहीं खड़ी कर दी।
अच्छा चोट लगी यार, गार्ड वार्ड पहन रखे थे। चलो चलो आराम से चलना भाई, बरसात की वजह से बहुत फिसलन हो रही है, जूते स्लिप हो रहे हैं। तो गाइस किसी को भी इस लोकेशन पे आना हो तो आप सहस्त्रधारा आइए, सहस्त्रधारा से आप थोड़ा सा और ऊपर जाइए और एक जैसे मैंने थोड़ी देर पहले वीडियो में बताया था एक रिजॉर्ट आता है उसी के सामने, बिल्कुल लेफ्ट में रिजॉर्ट आएगा उसी के सामने, बिल्कुल एक रास्ता जा रहा है नीचे की तरफ, वो इस लोकेशन पे आप। तो भाई पहुंच चुके हैं इस लोकेशन पे, पहले डिसाइड किया थोड़ा सफाई करते हैं, बहुत कूड़ा हो गया। भाई ये जो नूडल है शिन राम इन, ये थोड़ा कम स्पाइसी होता है, बहुत टेस्टी होता है। गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं घर। अगर आप देहरादून में रहते हैं या देहरादून विजिट कर रहे हैं तो जो डायरेक्शन मैंने आपको दी है वो फॉलो करके आप इस लोकेशन पर पहुंच सकते हैं। लोकेशन का जो नाम है वो है कांडी घाट, तो बेसिकली घाट पहाड़ों में बोलते हैं नदी को, छोटी नदी को, तो उसका नाम है कांडी घाट। बहुत अच्छी जगह है, बहुत सुंदर जगह है और देहरादून में बहुत ईजीली एक्सेस आप कर सकते हैं। जो मैंने आपको डायरेक्शन दी वो आप फॉलो करेंगे तो आप वहाँ पहुँच जाएंगे।
और आजकल फ्रेंड्स बहुत डेंगू चल रहा है, तो आप अपनी और अपने फैमिली का अच्छे से ख्याल रखिए, और ऐसी आगे ब्लॉग देखने के लिए, ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप मेरे को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। टिल दैन टेक केयर, बाय बाय।